हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनूप फ्रॉम गो ग्रीन विथ सिद्धि। कैसे हैं आप लोग? मस्ट बी फाइन। वीडियो तो बहुत लोग देख रहे हैं बट लाइक और सब्सक्राइब कम हो रहा है। थोड़ा सा सब्सक्राइब करने में भी मेहरबानी करिएगा, थैंक यू फॉर दैट। और आज का टॉपिक मैं लेता हूँ, ये जो प्रॉब्लम हो जाती है ना मिली बग की, ये देखिए मिली बग लग जाती है पौधे में इस प्रकार से। देखिए ये मेरा अश्वगंधा का प्लांट है और इसमें ये लग गई देखिए मिली बग। तो बहुत सारे उपाय हैं वैसे इसके लिए, नीम ऑयल का स्प्रे भी कर सकते हैं। मैंने पत्ती तोड़ दी इसकी, ज़्यादा हो रहा था इसमें। इसमें ये भी हो गया देखिए, यहाँ पर भी ये लग रहा है इसमें। तो इसका बहुत छोटा सा बहुत सस्ता सा उपाय हैगा, ज़्यादा पैसे वाला नहीं, हम लोग ज़्यादा पैसा नहीं खर्चा करवाते हैं फालतू में। आप ये डालिए, वो खाद लाइए, वो दवाई लाइए, घरेलू उपाय हर घर में मिल जाता है ज़्यादातर। उसके लिए मैंने क्या करा है, मैंने लिया है ये मिट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल जो होता है ना, ये कई साल से मेरे पास जो था ये रखा हुआ है। हर साल मैं दो चार बार इसका स्प्रे जो है मैं करता हूँ, पर ऐसे डायरेक्ट स्प्रे नहीं करते हैं इसका, इसका स्प्रे करते हैं पानी में मिला कर। ये पानी है ना, इसमें बॉटल मैंने पानी डाला हुआ हैगा और इसमें सिर्फ 4-5 बूंदें, क्योंकि आधा लीटर में हम 4 बूंद का रेशियो रखते हैंगे मिट्टी के तेल का। और उसके बाद जैसे ही मेरी 1.5 लीटर की बॉटल, तो मैंने इसमें करीबन 10 बूंदें जो थी तेल की इसमें डाल दी और इसको रख दिया मैंने 10-12 घंटे के लिए। मैंने सुबह करीबन 6 बजे इसमें बूंदें डाली थी, 8-10 बूंदें, और उसके बाद मैंने इसको रख दिया थोड़ा हिला करके, शेक करके, क्योंकि ज़्यादा अगर हम रेशियो डाल देंगे इसमें ना तेल का, तो इससे ना हमारी पत्तियां जल जाएंगी, हो सकता है हमारा पौधा भी ख़राब हो जाए। तो हमें बहुत लाइट रखना है इसको, आधा लीटर में 4 बूंदें याद रखिएगा। 1 लीटर हो तो उसमें 8 बूंदें डाल दीजिएगा और 1.5 लीटर था तो इसमें 10-12 बूंदें डाल दीजिए और इसको 8-10 घंटे रख देंगे। या जैसे रात में रखा हैगा तो सुबह कर दीजिएगा इसको, तो इसको ना थोड़ा डाइल्यूट होने का टाइम मिल जाता हैगा। तो ओवरनाइट हम रख देंगे इसको तो वो भी बहुत हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाएगा, क्योंकि ऐसी डालेंगे ना तो नुकसान रहता हैगा। इसके बाद जो है ना इसको हम इस प्रकार से स्प्रे करेंगे। देखिए ये देखिए यहाँ पर है ना, ये देखिए ये यहाँ पर ये स्प्रे हो रहा है, ये देखिए स्प्रे ऐसे करके। और इसको जब लगा देंगे ना ऐसे स्प्रे करके, पानी इसमें डालेंगे हम, तो देखिए कुछ ही देर में ना इसमें से अपने आप ही मिली बग झड़ के गिर जाएगी सारे में, है ना। ये देखिए अब अश्वगंधा का पेड़ है, इसकी पत्तियाँ मैं रोज़ लेता हूँ, तो इस वाले प्लांट की पत्ती मैं 2-4 दिन नहीं लूँगा, क्योंकि एक तो मिली बग लगी हुई है, ऊपर से मिट्टी के तेल का इसमें स्प्रे करा हुआ हैगा, तो दोनों चीज़ें ही ना हमारे लिए नुकसानदेह होंगी। तो जब ये स्वस्थ हो जाएगा पौधा ना, तो उसके बाद जो है फिर हम इसकी पत्तियों को यूज़ करेंगे। इसके बाद हम देखिए यहाँ पर देखिए इसके पास में ये रखा हुआ है पौधा पारिजात का, पर इसमें अटैक नहीं हुआ है, बट फिर भी मैं थोड़ा बहुत स्प्रे कर दूँगा। इसका स्प्रे हम सब में ही कर देंगे प्लांट्स में ना, तो सबको ही लाभकारी रहता, कोई ऐसा नुकसान नहीं है। किसी में लग गई है मिली बग तो वहाँ कर दीजिए, और जहाँ नहीं लगी है उनमें भी कर दीजिए। तो कहते हैं ना प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो क्योर बहुत ज़रूरी हैगी। तो हम टाइम टू टाइम इसमें सब में ही अपने पौधों में स्प्रे करते रहेंगे तो क्या होगा कि इसमें मिली बग वगैरह लगेगी नहीं। अच्छा चींटी भी हो जाती ना कहीं पर, जैसे चींटी वाले पौधे में भी इसको कर सकते हैंगे, जहाँ चींटियाँ ज़्यादा लग जाती हैं बरसातों में ना, कई दफ़े होता ही है कीड़े बहुत लग जाते हैंगे, मिली बग लग जाती है, चींटी आ जाती हैं। तो कोशिश करके हम 15 दिन में 20 दिन में जब भी मौका लगे, हफ्ते में 2-3 बार, जैसे कि अभी मैंने लगाया है ना इसमें, अभी आज मैंने स्प्रे करा हैगा, तो मैं 2-3 दिन बाद फिर स्प्रे करूँगा, तो इससे ना जड़ से ख़त्म हो जाएगी हमारी जितनी भी प्रॉब्लम हो रही है इसमें, ये बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी, है ना। हम चाहते हैं ना हमारी बीमारी जड़ से दूर हो जाए, दोबारा ना हो, है ना। तो इसको हम इस तरीके से फिर स्प्रे करेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये फिर स्प्रे कर रहे हैं इसको, ये देखिए ये देखिए फिर अच्छे से स्प्रे हो रहा है, और ये जो है समय आने पर दूर हो जाएगी। दोबारा तिबारा भी इसको करेंगे, और भी देखिए मेरे पौधे हैं, ये कड़ी पत्ता का हो रहा है, इसे तो बिल्कुल ठीक है, इसमें मैं नहीं कर रहा हूँ कि इसको हम यूज़ करते हैं, ये पारिजात का हैगा। इसमें भी कुछ देखिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, देखिए पत्तियाँ इसकी ख़राब हो रही हैं अंदर से, तो इसमें भी मैं थोड़ा सा स्प्रे कर दूँगा, जिससे कि कोई भी कीड़ा वगैरह लग रहा है तो
वो ठीक हो जाएगा, छोटे मोटे इंसेक्ट्स इससे मर जाते हैं ये, है ना। देख लिया आपने ये, तो इसी तरीके से कभी भी हो तो अपने घर में मिट्टी तेल मिल जाता, नहीं तो आप किसी से मंगा लीजिए थोड़ा सा मिट्टी तेल, एक शीशी में चार चार छः छः बूंद डालनी है, उसमें डाल करके अपना काम हो गया, बहुत सस्ते में काम हो जाता है, कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगना, कुछ नहीं लगना है। जब भी टाइम मिले हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में, महीने भर में एक बार ज़रूर कर दीजिए, तो ये आप मिली मक्की प्रॉब्लम से बच जाएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट टाइम।